ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे युवा। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने रिबन काट के किया शुभारंभ। ओबीसी भवन नगरोटा बगवा में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये आयोजन बाल मेला कमेटी द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री जीएस बाली ने किया। इस दौरा बाली ने ब्लड डोनेट कर रहे युवाओं को कोरोना किट भी बांटी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जीएस बाली ने जन्मदिन से एक दिन पहले आज बाल मेला कमेटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हर साल नगरोटा में बाल मेले को खूब धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी व पूर्व सीएम राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कमेटी ने फैसला लिया कि इस बार बाल मेले के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप युवाओं को खेलने के लिए गांव-गांव में बालीबाल किट 27 जुलाई को प्रदेश भर में फल वितरित किए जाएंगे व नेत्रहीन लोगों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं के लेकर बुजुर्गों तक में बाली के साथ फोटो खिंचवाने का क्रेज दिखा। ब्लड डोनेशन कैंप में आए डॉक्टर सौरभ ने बताया कि बाल मेला पूर्व मंत्री जीएस बाली के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाता है। इस बार भी हमारी टीम आई है और यहां कैंप में युवा सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। ये बाल मेला कमेटी करती है। बाल मेला कमेटी ने क्योंकि कोरोना का प्रकोप चला हुआ था, कोरोना की महामारी चल रही थी, उसके चलते और हमारे जो ये नेता थे श्री वीरभद्र सिंह के पीछे उनका ध्यान हो गया। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए बाल मेला कमेटी ने फैसला लिया कि हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे और इसको ब्लड डोनेशन और जो बाकी सोशल काम है उन्हें तक सीमित रखेंगे। तो अभी तकरीबन 200 बच्चे ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं और इनको कोरोना की किट जो है वो भी दी जा रही है और साथ में ये बच्चे अपने आप उत्साहित हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी ये लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे ही ब्लड डोनेशन जो है वो करते रहेंगे। धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सन्नी महाजन की रिपोर्ट।